are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के अनुसार क्रिप्टो का फॉरेन ट्रेड में इस्तेमाल। बाइनेंस ने गिटहब पर कोड लीक के दावे को नकारा। यूएसडीसी सेलो ब्लॉकचेन पर नेटिव बनेगा गैस करेंसी के रूप में रोल की उम्मीद। बिटकॉइंस माइनिंग फर्म कोर साइंटिफिक ने 2023 में $812 million के BTC माइंड किए। बाइनेंस पर हमास के विक्टिम्स हॉस्टेजेस के फैमिलीज ने केस किया। सेल्सियस ने वादा निभाया, $3 billion क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। डिफाइंस कैपिटल ने 3AC के खिलाफ डिस्प्यूट में बड़ी जीत हासिल की। जर्मनी के बैंकिंग जायंट DZ इस साल क्रिप्टो ट्रेडिंग पायलट करने की योजना बनाया ब्लूमबर्ग। इंडियन इलेक्शंस ईयर में एंट्रेंस बजट में क्रिप्टो पर स्टिफ टैक्सेस रखे। क्रिप्टो फाउंडर ने 7 साल के हाइटर्स के बाद बोल्ड XRP बायबैक के साथ वापस आए। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ने $260 million के लॉस के बाद 40% प्लंग किया। रियल वर्ल्ड एसेट्स डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में सेंटर स्टेज में ले रहा है। रशियन सेंट्रल बैंक फॉरेन ट्रेड में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल एक पेमेंट मेथड के रूप में करने पर विचार कर रहा है। बैंक के गवर्नर एल्वीरा नेब्यूलिना के मुताबिक नेब्यूलिना ने कहा कि रशिया डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में क्रिप्टो पेमेंट्स का इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं, लेकिन देश फॉरेन ट्रेड में क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल करने के विचार को खुला है। क्रिप्टोकरेंसीज एक्सचेंज बाइनेंस ने उन रिपोर्ट्स को डिनाई किया है जो सजेस्ट करते हैं कि हाईली सेंसिटिव इंटरनल पासवर्ड्स और कोड GitHub पर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एक्सपोज थे। बाइनेंस ने दावे को रिफ्यूट किया यह कहकर कि क्वेश्चन में आया कोड आउटडेटेड था और यूजर्स के लिए नेग्लिजिबल रिस्क था। सेलो फाउंडेशंस ने सर्कल के साथ पार्टनरशिप की है। USDC एक लीडिंग स्टेबल कॉइन्स को अपने नेटवर्क में लाने के लिए यह इंटीग्रेशंस ने सिर्फ सेलो के स्टेबल कॉइन्स ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई करता है, बल्कि USDC को ब्लॉकचेन पर एक ऑफिशियल गैस करेंसी बनने की पोजीशन में रखता है। कोर साइंटिफिक 2023 में नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो माइनिंग कंपनी बन गया। 19,274 बिटकॉइंस माइन करके जो $812 million की थी। इसराइल में हमास को हॉस्टेजेस और विक्टिम्स के फैमिलीज ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर उसका एलेज्ड रोल, टेररिस्ट ग्रुप और रीजन्स में ऑपरेट करने वाले दूसरे ग्रुप्स के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने में होने के लिए केस किया है। 18 महीने के बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के जटिल सफर के बाद बिलीग्योर्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने $3 billion से अधिक के एसेट्स अपने क्रेडिटर्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सिंगापुर के हाई कोर्ट ने बैंक्रप्ट क्रिप्टो हेज फंड्स 3 Arrows कैपिटल द्वारा डिफाइंस कैपिटल के फाउंडर्स ट्योंग जून ग्यूंग के खिलाफ सूट को डिसमिस करने के लिए किए गए एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा बैंक DZ बैंक ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक इस साल में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है।